press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey guys, welcome to my YouTube channel. जी हाँ दोस्तों, DMLT के अंदर पढ़ाई कैसे करें, कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं तो दोस्तों प्रैक्टिकल कैसे क्या करें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। जिसने भी कमेंट के अंदर कमेंट किया है दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके ऊपर उसको देखते हुए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप DMLT के अंदर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आपको DMLT अगर पास होना है बेकायदा बिना किसी बैग के, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उनको कवर करेंगे तो ही आप बहुत ही सिंपली तरीके से पास हो पाएंगे। फिर प्रैक्टिकल का हम थोड़े टाइम बाद में आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल के अंदर कैसे क्या करना है। सबसे जो अपना फोकस होना चाहिए वो होता है थ्योरी। थ्योरी के अंदर पास होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के तरीक़ों को लेकर हम बात करते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट लेते हैं वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, एनाटॉमी के अंदर आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। हर एक चीज़ आपको आनी ज़रूरी होती है, मतलब आप एक छोटे छोटे सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, वो हमें भूल गया था इसलिए सॉरी। दोस्तों आपको सबसे जो फर्स्ट फोकस करना है वो है आपका सिलेबस। आपको अपनी सिलेबस को देखना है, सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करनी है। दोस्तों एनाटॉमी के अंदर 12 ही उन सिस्टम्स की, आप 10 ही सिस्टम की, आप स्केलेटल सिस्टम हो गया, जो भी है डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जो भी सिस्टम है उसको ब्रीफली बहुत ईमानदारी के साथ आप तैयारी कीजिए। और फिर दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, हर सबसे इम्पोर्टेंट एनाटॉमी के अंदर अगर आपकी बैक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपकी बैक नहीं लगेगी 100%, मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप इस तरीके से पढ़िए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है डायग्राम। डायग्राम जितना बढ़िया बनेगा उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप रटिए मत, डायग्राम को देखकर उसे बनाने की कोशिश करेंगे तो 100% आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। जब तक आपने डायग्राम बना के समझने की कोशिश नहीं की तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसको रटते हैं तो बिल्कुल आपका पानी में फिर जाएगा। और कोशिश ये करें कि आप इंग्लिश के अंदर पढ़ें, इंग्लिश के अंदर हर एक चीज़ को समझें जिससे आपको फ़ायदा हो। और अब तो दोस्तों RPMC ने इंग्लिश को ही महत्व दिया है, वो इंग्लिश के अंदर ही आपको पेपर देगी और आपको पेपर इंग्लिश के अंदर ही करना है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हेमेटोलॉजी, इनकी ब्लड बैंकिंग की। तो दोस्तों इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई भी टेस्ट हो गया जैसे ब्लड बैंक की हम बात करें तो इसके अंदर आपको एंटीजन एंटीबॉडी हर एक चीज़ के डायग्राम आप बनाएंगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। आपको शो करना, जितना बढ़िया तरीके से आप शो करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप DMLT को क्लियर कर सकते हैं बिना किसी बैग के, बिना किसी दिक्कत के। पर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, DMLT ऐसे ही बिना पढ़े पास नहीं हो सकती, इसके अंदर आपको पढ़ना तो 100% पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कॉलेज के अंदर तैयारी नहीं चलती है, तो दोस्तों आप खुद के नोट्स बनाइए, आप उसकी तैयारी कीजिए। आप YouTube से पढ़ सकते हैं, चाहे बहुत से तरीके हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि कॉलेज के अंदर कहीं कहीं प्रैक्टिकल चलते हैं, कहीं के थ्योरी क्लासेस चलती है, कहीं थ्योरी चल रही है तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल हो रहे थे थ्योरी नहीं चल रही। तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, आपको खुद की तैयारी अपने साथ ही रखनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर DMLT आपको क्लियर करनी है तो आपको पुराने पेपर को सोल्व आउट करना होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको किस टाइप से क्वेश्चन आता है, हर एक चीज़ को आपको सोल्व आउट करना है तभी आपको समझ में। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर और इंग्लिश की। तो दोस्तों आप इसको लाइटली ना लें, बिल्कुल भी लाइटली ना लें कि यार कंप्यूटर और इंग्लिश के अंदर हम पास हो जाएंगे। वो 10th और 12th वाली इंग्लिश इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचते होंगे यार मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल भी आप पास नहीं हो पाएंगे अगर आप 10th 12th वाली इंग्लिश को सोच कर एग्ज़ाम देते हैं तो। सबसे पहले इसके अंदर आइटम्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, आर्टिकल्स होते हैं, इनके अलग अलग तरीके होते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश होती है। इसके अंदर कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाता है इंग्लिश के अंदर। और कंप्यूटर के अंदर दोस्तों आपको जो RSCIT कर रखी है किसने, तो बहुत अच्छी बात है।
पर कंप्यूटर के अंदर भी आपको हर एक चीज़ का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कंप्यूटर के अंदर भी आप डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे उतने ही बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और आपके नंबर्स देखे जाएंगे। उसके बाद में आप कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी जो भी कीज़ हैं उनको गलत कभी नहीं लिखना, जैसे CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी दोस्तों CPU हो गया, ROM हो गया, RM हो गया, इनकी शॉर्ट फॉर्म आपको याद कर लेनी है जिस कारण आप इनकी फुल फॉर्म लिख सकें और कम्प्लीटली आप कंप्यूटर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो सकें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में बस इतना ही।